सीपीसी में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि जो है ऑर्डर जब होता है कि सूट को खारिज कर दिया जाता है, यानी ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ सूट, इसको जो है ऑर्डर नंबर 7 और रूल नंबर 11 में बताए गए हैं कि न्याय में अगर कोई जो है हम न्यायालय प्रक्रिया को गुमराह करने की कोशिश करते हैं या उसकी लिमिटेशन पीरियड में जो है ना रहकर उससे जो है ऊपर चले जाते हैं तो न्यायालय जो है हमारे वाद को खारिज कर देती है। आइए दोस्तों जानते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या है इसके बारे में। नंबर 1 है वेयर प्लेन डज नॉट डिस्क्लोज काज ऑफ एक्शन, जहां आपने जो दावा प्रस्तुत किया है उसका काज ऑफ एक्शन नहीं बताया है तो वहां पे जो है आपका दावा जो है खारिज हो जाएगा। दूसरा आता है दोस्तों वेयर रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यू, जो आप रिलीफ मांग रहे हैं वो एक ज़्यादा मांग रहे हैं, यानी 1 लाख रुपये की मांग होनी चाहिए लेकिन लिख दिए उसमें 4 लाख 5 लाख लिख दिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 25,000 की कोई प्रॉपर्टी है उसका जो क्लेम करना है तो अंडर वैल्यू जो वैल्यूएशन होता है, जैसे कोई वैल्यूएशन लिख दिए 27,000 तो माना जाएगा, अब 25,000 के जगह जो है 50,000 वैल्यूएशन मांग दिए तो वहीं पे न्यायालय उसको खारिज कर देती है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 है वेयर प्लेन इज सफिशियंटली स्टैम्प, जो स्टैम्प लगाया जाता है वो स्टैम्प ना लगाकर जो है उससे कम वाला या ज़्यादा वाला स्टैम्प लगा देते हैं, तो स्टैम्प जो है नहीं लगाते हैं तब तो भी जो है मामला खारिज हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 है वेयर द सूट इज बारोड बाई लॉ, जो स्टैम्प जमा करने की जो लिमिटेशन पीरियड होती है वो 15 दिन होती है, 15 दिन से पहले अगर जो हम जमा कर देते हैं तो हमारा जो है वाद माना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसके बारे जो है वेयर द सूट इज बारोड बाई लॉ, ये मान लीजिए कोई सूट जो है वो लॉ में जो है उसे रोका गया है, जैसे बारोड बाई लॉ, जिसे कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है कोई क्लेम करना है तो उसमें जो है लिखेंगे कि अंडर सेक्शन 80 के तहत जो है हमने जो है 60 दिन की जो टाइम मांगी थी 60 दिन से ऊपर हो गया है, या अगर उससे पहले कोई बात प्रस्तुत करना चाहते हैं तो न्यायालय प्रक्रिया के अंतर्गत वो जो है सफिशियंट काज बताएं, या उस अगर कह देंगे कि महोदय हम 60 दिन ताकेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा जो है सूट सुना जाना चाहिए। और दूसरा स्थिति आती है कि लिमिटेशन पीरियड को ही बहुत ध्यान में रखा जाता है तभी हमारा जो है सूट माना जाएगा। जैसे लिमिटेशन पीरियड में हमने नोट किया है दोस्तों कि जो है 6 मंथ का जो है टाइमिंग होता है, जो कोई परमानेंट इंजेक्शन होता है तो 2 ईयर्स और टेम्परेरी इंजेक्शन होता है तो 15 दिन से पहले जो है 15 दिन पहले ही सूट किया जाता है। और डिले 1, 2, 3 दिन, फिर उसके बाद जो है 5 नंबर है वेयर द प्लेंट इज नॉट डुप्लीकेट कॉपी, जो आपने डुप्लीकेट कॉपी न्यायालय के पटल पे नहीं दिया है तो वो एक आप कहेंगे कि 7 दिन में कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए, 7 दिन में कैसे तो कार्रवाई शुरू होगी, मतलब आप जमा कर दीजिए, वादी पक्ष से कहा जाएगा आप जो है जमा करिए नहीं तो आपका सूट खारिज हो जाएगा। इसी तरीके से वेयर देयर इज नॉन कंप्लियंस विद द स्टेटल, इस तरीके से जो है जो कंप्लेंट होता है वो सुनने लायक होना चाहिए। और जो है इसमें कुल मिला जुला के हम ये दोस्तों ये कह सकते हैं कि अपने अधिकारों के प्रति जो है सजग रहना और लॉ के अंतर्गत कोई कार्रवाई की जाती है तभी न्यायालय जो है बाध्य होती है आपकी सुनने के लिए जो है बाध्य होती है, नहीं तो वो जो एक हमने जो पढ़ा है रेस जुडिकाटा जहाँ पर लागू हो जाता है उसको जो है दोबारा सुना नहीं जाता है। इस तरीके से जो है हमने देखा ऑर्डर नंबर 7 और रूल नंबर 11 सीपीसी में ये बातें बताई गई कि किन परिस्थितियों में हमारे जो है सूट को जो है खारिज कर दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।